मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चलती मुंबई लोकल में हुई लूट, फिल्मी स्टाइल में यात्रियों ने लुटेरे को पकड़ के किया रेलवे पुलिस के हवाले। मुंबई लोकल में लूट की खबर पर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह घटना अंधेरी की है, जो भी पूरी सच्ची घटना है। यह पूरी वारदात ना केवल सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, बल्कि सिर्फ 6 ही घंटे में जीआरपी ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया। दरअसल इसी महीने की 8 तारीख को विरार से चर्चगेट के लिए पहली रोकर रवाना हुई। सुबह जल्दी होने के चलते लोकल में यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर यात्री नींद में थे। यात्रियों में कुछ सब्जी वाले तो कुछ कामकाज वाले थे। गाड़ी विरार व अंधेरी के बीच की धीमी लोकल थी। ट्रेन अपनी गति से चलती रही, स्टेशन आते रहे और यात्री चढ़ते उतरते रहे। लोकल के भाईंदर स्टेशन पहुंचने पर वहां से 2 युवक एक सामान्य श्रेणी के डिब्बे में चढ़े, एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे। लोकल चर्च गेट की ओर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। लोकल जोगेश्वरी से अंधेरी की तरफ जैसे ही बढ़ी, एक डिब्बे में जो हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दरअसल भाईंदर से चढ़ने वाले दोनों युवकों ने डिब्बे में मौजूद एक युवक को दबोच लिया। एक ने उसका मुंह दबाया, दूसरे ने मोबाइल छीना, जेब से पर्स निकाला। फिर सुबह के 3:43 पर गाड़ी अंधेरी स्टेशन पर पहुंची। जैसे ही अंधेरी स्टेशन पर लोकल रुकी, अचानक एक युवक लोकल रुकते ही तेजी से दौड़ लगाते हुए भाग गया, लेकिन उसके दूसरे साथी को कुछ लोगों ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ते हुए दूसरे डिब्बे में मौजूद रेलवे पुलिस जवान के आने तक दबोचे रखा और पुलिस के आते ही पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ से पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए पूछताछ की। तब पुलिस पूछताछ में पुलिस को उसके दूसरे साथी का पता मिला। पुलिस ने महज 6 घंटे में दूसरे लुटेरे को भी खोज निकाला एवं गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दोनों आरोपी भाईंदर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में उनका काम बंद हो गया। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले और बेरोजगारी में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने लूट की योजना बना डाली, लेकिन अपनी पहली ही लूट की वारदात में दोनों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कल एक यात्री भाईंदर से अंधेरी रेलवे पुलिस अंधेरी स्टेशन आ रहे थे, उसी टाइम वो लगेज डब्बे में अकेले ट्रैवल कर रहे थे। उसी वक्त 2 अननोन लोग अंदर घुसे, उन्होंने उसको धक्का बुक्की करके उसके पास का मोबाइल और पैसा छीन के अंधेरी स्टेशन आते वक्त भागने की कोशिश की। उसी वक्त उधर ड्यूटी पर जो आरपीएफ के स्टाफ थे उन्होंने और वो जो फरियादी है उसने उसको एक को पकड़ा, उसको पुलिस स्टेशन ला के इंक्वायरी किया तो उसने बताया कि उसने मोबाइल खींचा है और उसका जो साथीदार था वो पैसा लेके भाग गए। उसी टाइम हमने तुरंत हमारे सीनियर पीआई साहब निकम साहब उनके मार्गदर्शन पे टीम बना के महेंद्र एरिया में जाके उसकी तलाश ली। उसको 6 घंटे के अंदर पकड़ के पुलिस स्टेशन लाया, उसको इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने बताया कि जल्दी पैसा कमाने के लिए, नशा करने के लिए उसने वो चोरी किया था, मोबाइल खींच के लेके भाग गया था। तो उनको उन दोनों को अरेस्ट करके 392 के आईपीसी 392 में अरेस्ट किया है और उनका जो अगला इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है। सर, उनके नाम क्या है? वो जो केस नंबर 210 सेक्शन 392 लगा है उनके ऊपर। एक का नाम है अंकित राजेश चौबे और दूसरे का नाम है जितेंद्र रुदल चौहान। वो लगभग दोनों 19-20 साल के और भाईंदर एरिया में रहने वाले दोनों आरोपी हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।